आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने का एक ही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला वैसे तो एकदम आसान है और हर किसी को इसका पता है, लेकिन इस पर चलने के लिए पक्के और मजबूत इरादे की जरूरत है। दरअसल ये फॉर्मूला है आयात घटाना और निर्यात बढ़ाना। आयात पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की जरूरत है। के लिए MSME को आयात का विकल्प तलाश कर लागत कम करने पर ध्यान देना होगा। हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है वो 48% MSME से होता है और अभी तक 11 करोड़ जॉब MSME ने क्रिएट किए हुए हैं। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि इस MSME की पूरी डेफिनेशन हमने बदल दी है। इसके लिए गवर्नमेंट को जो है एक्सपोर्ट हब बनने के लिए गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी के अंदर कुछ काफ़ी चेंजिंग लानी पड़ेंगी जिससे कि एक्सपोर्ट बढ़े और इम्पोर्ट जो आइटम की प्रोडक्शन हमारी यहाँ पे काफ़ी है, ज़्यादा है, वो उसको वहाँ से जो है बाहर से बंद करना पड़ेगा जिससे कि यहाँ प्रोडक्शन हमारी बढ़े और एक्सपोर्ट बढ़े, कंपटीशन आए ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में जा करके वहाँ खड़े हों। जहाँ तक बात है कि एक्सपोर्ट हब बनने की, तो उसमें हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक स्किल लेबर होना भी बहुत आवश्यक है इसके लिए। जहाँ तक मैं चाइना में भी होके आया हूँ मैं, तो चाइना में जितना वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतना भारत नहीं कर पाया आज तक। उसका सिर्फ एक कारण है, वो है कि स्किल लेबर। इसमें सफलता के लिए भी भारत को चीन से सीख लेने की जरूरत है। दरअसल चीन के टॉप 10 सेक्टर का निर्यात ही उसके कुल एक्सपोर्ट का 70% हिस्सा है। चीन से भारत आयात किए जाने वाले सामानों की पहचान करना इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। MSME और उद्योगों के लिए आयात का विकल्प तलाशने के बाद सामानों की कीमतों को कम रखने पर गौर करना होगा। इसके साथ ही देश के औद्योगिक जगत को बड़े और विकसित शहरों से हटकर ग्रामीण इलाकों का रुख करना होगा। ये 30% गाँव से लोग मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर में आए, ये क्यों आए? ये मजबूरी के कारण आए और इसलिए ये मजबूरी जो है ये दूर करके उनके गांवों में उनको रोजगार मिलना चाहिए। तो क्यों नहीं हम हमारे गांवों के टेक्नोलॉजी को बढ़ाएं। आपको आश्चर्य होगा, हमने स्पाइस जेट का विमान जट्रोफा के तेल से एविएशन फ्यूल बनाकर डेहराडून से दिल्ली आया। 25% फ्यूल यूज़ की गई और पिछले 26 जनवरी को जंगल में मिले हुए रतन जोत मोह साल करण जैसे बने हुए एविएशन फ्यूल से हमारे हेलीकॉप्टर और फाइटर फ्रिगेट चले। अगर ये अगर आगे चला गया तो हमारे देश में वनवासियों को, किसानों को काम मिलेगा, उनके हाथ में पैसा आएगा और उनके हाथ में पैसा आएगा तो आपके उद्योग व्यापार अच्छे चलेंगे। लेकिन मसला केवल आयात घटाने तक सीमित नहीं है, जरूरत निर्यात में बढ़ोतरी की भी है। देश में 11 करोड़ नौकरियां पैदा करने वाला MSME सेक्टर आज बदहाल है। कोरोना काल में इस साल आशंका है कि MSME के रेवेन्यू में 20-22% तक गिरावट आ सकती है। एक्सपोर्ट से जुड़े सेक्टर्स में हाल ज्यादा खराब हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जेम्स ज्वेलरी और ऑटोमोटिव सेक्टर का निर्यात पूरी तरह लुढ़क गया है। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का भी लॉकडाउन और मजदूरों के पलायन ने हाल बेहाल कर दिया है। लेकिन संकट के बावजूद ये मौका भारत के लिए एक्सपोर्ट हब बनने का है और MSME को इसका फायदा उठाने से नहीं चूकना चाहिए। हालांकि तमाम संकट के बीच पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री को कोरोना काल नई ऊंचाइयों पर ले जाने में कामयाब रहा है। वर्क फ्रॉम होम इसकी बड़ी वजह बना है।